हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। जी आज जो मैं क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ वो जून 2017 में पूछा गया है सेक्शन बी में। तो क्वेश्चन क्या कहते हैं, द सॉल्यूशन ऑफ ODE ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, वो दे रखा था इक्वेशन हमें UT माइनस एक्स यू एक्स प्लस वन माइनस यू इक्वल्स टू जीरो, जहाँ पर टी की वैल्यू जीरो से बड़ी है, सब्जेक्ट टू यू एक्स जीरो इक्वल्स टू जी एक्स इज। यहाँ पर चार ऑप्शन दिए थे क्वेश्चन में, लेकिन वो चारों के चारों ऑप्शन में से कोई सा ऑप्शन भी करेक्ट नहीं था, इसलिए मैंने यहाँ पर मेंशन नहीं किया। मैं डायरेक्ट आपको आंसर निकाल के ही दिखाऊंगा। तो चलिए सॉल्यूशन पर नज़र डालते हैं। ये क्लियरली आपको दिख रहा है ये जो फंक्शन है वो किस रूप में आगे मैं दिखाता हूँ। जो क्वेश्चन हम ये रखे हैं, पहले क्या लिखेंगे, द गिवन इक्वेशन कैन बी रिटन एज, देखिए वो ढंग से लिख देंगे तो हमें इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं, एक्स यू एक्स माइनस यू टी इज इक्वल टू वन माइनस यू, इसे हम ढंग से लिख सकते हैं। तो ये जो इक्वेशन है वो किस रूप में है, पी पी प्लस क्यू क्यू इक्वल्स टू आर। तो यहाँ पर पी का मतलब यू एक्स से है और क्यू का मतलब यू टी से है। तो यहाँ पर पी के प्लेस पे कितना है, एक्स है, क्यू के प्लेस पे माइनस के वन है और आर के प्लेस पे वन माइनस यू है। तो लैग्रेंजियन जो ऑक्सिलरी इक्वेशन होती है वो ये होती है, डी एक्स अपॉन पी इज इक्वल टू डी टी अपॉन क्यू इक्वल टू डी यू अपॉन आर। तो पी क्यू आर की वैल्यू पुट कर देंगे, पुट करने के बाद क्या करेंगे, पहला और लास्ट वाला फ्रैक्शन लेंगे, ये और ये लेंगे। लेने के बाद इसे कर देंगे इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन करने पर आपको क्या मिल जाएगा, लॉग एक्स इस इधर आ जाएगा माइनस लॉग वन माइनस यू और यू का कोफिशियंट माइनस वन है तो यहाँ माइनस सामने आ जाएगा, दोनों ही लॉग में है तो ये आ जाएगा आपका लॉग सी वन कॉन्स्टेंट। अब ये माइनस के इधर आगे क्या हो जाएगा, प्लस का, और ये आपका लॉग सी वन, यानी कि यहाँ से आपको मिल जाएगा एक्स वन माइनस यू इक्वल्स टू सी वन, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब आपको दूसरा फ्रैक्शन लेना है तो वो आप ले सकते हैं, पहला और दूसरा फ्रैक्शन आसान ही उसमें होगी। तो डी एक्स अपॉन एक्स इक्वल्स टू डी टी अपॉन माइनस वन, सबसे आसान यही पड़ रहा था वो हमने ले लिए हैं। दो फ्रैक्शन आपको लेने होते हैं, इंटीग्रेशन कर देंगे तो आ जाएगा लॉग एक्स माइनस टी और कॉन्स्टेंट इन्वॉल्व कर दिया हमने सी। एंटी लॉग ले लेंगे तो यहाँ से एक्स और ये सारा एक ही पावर में आ जाएगा, एक ही पावर माइनस टी प्लस सी। तो इसे ब्रेक करके लिख देंगे एक ही पावर माइनस टी इंटू एक ही पावर सी, और एक ही पावर माइनस टी को हम मान लेते हैं, सॉरी एक ही पावर सी को हम मान लेते हैं सी टू। तो एक्स इक्वल्स टू हमारे पास क्या हो जाएगा, एक ही पावर माइनस टी इंटू सी टू, यानी कि सी टू की वैल्यू आ जाएगी एक्स अपॉन एक ही पावर माइनस टी, यानी सी टू की वैल्यू आ जाएगी एक्स इंटू एक ही पावर टी। ये हमारा पास इक्वेशन सेकेंड आ गया दो फ्रैक्शन से। अब हमें क्या करना होता है, पैरामीटर इक्वेशन बना ली जाती है, और हमारे पास क्वेश्चन में क्या दे रखा है, यू एक्स जीरो पर क्या दे रखा है, जी एक्स, ये दे रखा है, यानी एक्स है तो यहाँ पर भी एक्स है और टी के प्लस पे जीरो है। तो हम क्या पुट करेंगे, लेट एक्स इक्वल्स टू वन और टी इक्वल्स टू जीरो, ये हम लेट कर लेंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यू एक्स के प्लस वन है ना, तो यू इक्वल्स टू जी वन। अब हमारे पास देखिए क्या करना है, पैरामेट्रिक इक्वेशन बनाने के लिए हमारे पास जो पहला सोल्यूशन आया था वो था एक्स इंटू वन माइनस यू इक्वल्स टू सी वन, तो एक्स के प्लस पे वन रख देंगे, ठीक है, और यू के प्लस पे क्या रख देंगे, जी वन, ठीक है, इक्वेशन नंबर थर्ड। और दूसरा हमारे पास जो सोल्यूशन हमारे आया था वो आया था सी टू इक्वल्स टू एक्स एक ही पावर टी, तो एक्स की जगह पर क्या रख सकते हैं, वन, और टी के प्लस पे रख देंगे जीरो, यानी सी टू आ जाएगा वन। अब हमें क्या करना है, एक इक्वेशन ऐसा चाहिए, दो नहीं एक इक्वेशन ऐसा चाहिए जिसमें सी वन और सी टू दोनों आ रहे हों। तो वो कैसे हम लिख सकते हैं, देखिए इक्वेशन नंबर जो थर्ड है हमारे पास, वो हमारे पास क्या थी, वन वन माइनस जी वन इक्वल्स टू सी वन, ये था। तो देखिए हमारे पास अभी क्या आया था, हमारे पास अभी आया था सी टू इक्वल्स टू वन, तो देखिए वन के प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं सी टू, तो इसकी जगह पे हम क्या लिख सकता हूँ सी टू, तो सी टू वन माइनस वन की जगह पर जी सी टू इक्वल्स टू सी वन। तो ये जो इक्वेशन है इसमें दोनों ही कॉन्स्टेंट इन्वॉल्व हो गए हैं, सी वन और सी टू, तो इसको थोड़ा ढंग से लिख देंगे तो सी वन इक्वल्स टू सी टू वन माइनस जी सी टू। अब हम क्या करेंगे, सी वन के प्लेस पर वैल्यू पुट करेंगे, कौन सी वैल्यू, जो अभी हमने अभी प्रीवियसली निकाला था, सी वन की वैल्यू पुट कर दी एक्स वन माइनस यू,
और सी टू की वैल्यू हमारे पास आई थी एक्स ई टी, ठीक है, और सी टू जहाँ जाए वहाँ पर हमने वैल्यू पुट कर दी। यहाँ पर मैंने सी वन की वैल्यू रखी और यहाँ पर हमने सी टू की वैल्यू रखी, इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से। एक्स से एक्स कैंसिल आउट और इसको सॉल्व किया तो हमें यू की वैल्यू मिल गई। ये जो ऑप्शन था ये करेक्ट ऑप्शन है, और ये ऑप्शन चार ऑप्शन दे रखे थे उनमें से कोई सा भी इसका करेक्ट ऑप्शन नहीं था, इसलिए मैंने मेंशन नहीं किया था। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद ज़रूर आई होगी, अगर ऐसा है तो लाइक शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मुझे आपका सपोर्ट यूँ ही मिलता रहे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो, जय हिंद।